और आपने जो सवालात भेजे जी, शाहिद आफरीदी के बारे में कि उसने अपोज करा है अबाउट बाबर आजम कैप्टेंसी, तो देखें मेरा सिर्फ एक ही जवाब इस मामले में जो आपने सवाल भेजा है कि अब बात नहीं बनती है। जब शाहिद ने पहले स्टेटमेंट दिए थे कि रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए था, मैं फेवर में नहीं था शहनशाह आफरीदी के, तो आप उसको ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि वो इस वक्त मीडिया में हॉट बना हुआ है। उसने एक दो स्टेटमेंट ऐसे भी दे दिए हैं जो हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन चेयरमैन पीसीबी इस टाइम पे मोहसिन नकवी साहब हैं, शाहिद आफरीदी नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा। और रही बात कौन कप्तान बनता है, पहले आपको बोल चुका हूं अनाउंसमेंट होनी है, और ये भी बोल चुका हूं कि अगर बाबर ने मना करा तो वो खुद अपने आप से ज्यादती करेगा, अपने मुल्क से ज्यादती करेगा। ये मेरे जवाब हैं उस बारे में जो आपने सवाल भेजे। आपने कल जो एक सवाल भेजा है करण ने के इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि तीन ओवरसीज खेलते हैं तो वो मुझे पता है वो, लेकिन अब तो ये टूर्नामेंट ऑन हो गया ना, पहले से सोचना चाहिए था कि इम्पैक्ट प्लेयर ओवरसीज नहीं होने चाहिए, लोकल प्लेयर इस तरह डेवलप होंगे, मैंने इस सेंस में कहा था। ये थोड़ी कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप चेंज कर दें, ये मेरा मतलब नहीं था। और एक चीज और बोल देता हूँ, सजेशंस तो बहुत इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में दूंगा। इस वर्ल्ड कप के बाद ना, जो अभी दो महीने बाद T20 का वर्ल्ड कप है, मुल्कों की T20 क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए अगर आपने टेस्ट क्रिकेट को बचाना है। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट दुनिया में इतनी हो गई है कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है तो कोई फायदा नहीं है, 3 T20 या 5 T20 बायलैटरल सीरीज जो होती ना, इसको बंद ही कर दें। इससे अच्छा है आप इजाजत दे दें ICC वाले कि अपने मुल्कों की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, और सिवाय इंडिया के, इंडिया कहीं भी नहीं जाता, उनके यहाँ सब आते हैं, पाकिस्तान नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे, बाकी दुनिया में सब जगह जाते हैं ना, तो उनकी इजाजत दे दें क्योंकि पैसा उसमें बहुत ज़्यादा है। मुल्क की तरफ से आप जब T20 खेलते हैं तो इतना पैसे भी नहीं मिलते, और लड़के इसीलिए आपने देखा मुल्कों से रिटायरमेंट ले रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो ये मेरा एक सजेशन थे करंट के सवाल के जवाब में कि मैंने इस सेंस में कहा था। लेता हूँ जी आपके सवाल मोबाइल से लूंगा आज तो। मोहम्मद सलीम साहब, इंशाल्लाह बाबर आजम किंग कैप्टन। अच्छा जी, आप अभी कह रहे हैं हम पहले आफरीदी लाइक हार्दिक ने, ऐसा नहीं बोलते। देखो हार्दिक अपने मुल्क का हीरो है, उसने इंडिया के लिए परफॉर्म करा, वो किस तरह आया क्या हुआ उस पर मत जाए आप, और आफरीदी ने भी परफॉर्म करा है पाकिस्तान के लिए, तो ये नहीं कि एक स्टेटमेंट की वजह से आप दूसरे को जीरो कर दें। होता है स्टेटमेंट निकल जाता है, या क्योंकि आपको पता है शाहीन उसका दामाद भी है, तो माइट बी सेंस में उसके उस ये वाला स्टेटमेंट निकल गया कि बाबर को कप्तानी नहीं देनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि एकदम इतनी जल्दी नाराज नहीं होते। पांड्या ने भी इंडिया से ही खेला है ना, कहीं नेपाल से तो नहीं खेला, इसी तरह शायद आफरीदी ने पाकिस्तान के लिए खेला है, नेपाल से तो नहीं खेला ना मेरे भाई, तो इस तरह का सोचा।